हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब स्टडी चैनल मीडिया क्लासेज। आप सभी दोस्तों का हमारे से यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आपको बताया कि हमारा औसत का चैप्टर चल रहा है, जिसके अंदर अपने लास्ट क्लास के अंदर इसके दो से तीन टाइप डिस्कस किए थे और आज अपने उसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे और होमवर्क का क्वेश्चन भी दिया था जिसको अपने सोल्व करेंगे, फिर इसके फर्दर कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी दोस्तों ने जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जिन्होंने पिछली क्लासेज नहीं देखी है वो भी प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें और अंत तक बने रहें इस सेशन के अंदर, क्योंकि ये वाली क्लास आपके लिए सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस क्लास को। होमवर्क का क्वेश्चन था आपके लिए भी, एक कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी हैं जिनका औसत भार कितना दे रखा अपने को, 22 केजी दे रखा है। क्या कह रहा है भी, एक विद्यार्थी को और शामिल कर दिया जाए तो औसत में कितने की कमी आ जाती है, एक की कमी आ जाती है। तो पूछा था बताओ उस शामिल किए गए विद्यार्थी का जो औसत भार था वो क्या था। इसको दो कंसेप्ट से करते थे अपने भी, या तो अपने को संख्या दे रखी है और साथ में उनका औसत दे रखा है। पहले कितने विद्यार्थी, 10, इनका औसत कितना दे रखा है, 22 केजी। तो इनका जो टोटल आएगा वो कितना आ जाएगा, 220 केजी आ जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा, 220 केजी। उसके बाद क्या है, एक विद्यार्थी को शामिल कर दिया, मतलब अब विद्यार्थी कितने हो गए, 11। जैसे इसको शामिल किया है औसत में कितने की कमी आ गई, एक की, मतलब 22 था, एक कम हो गया तो औसत कितना हो जाएगा, 21। औसत कितना हो जाएगा, 21। तो 11 × 21 कितना हो जाएगा, ये 231 कितना हो जाएगा, 231। अब देखो एक विद्यार्थी शामिल किया, शामिल करते ही इनका टोटल कितना बढ़ गया, 11। मतलब जो एक विद्यार्थी शामिल किया है उसका जो भार है वो कितने केजी का है, 11 केजी का है। क्लियर है ये चीज, तो इस चीज को अपने को ध्यान रखना था। ये तो था अपना बेसिक कंसेप्ट जिससे इसको सोल्व करते थे। अगर इसी को अपने दूसरे मेथड से सोल्व करें भी, 10 विद्यार्थी थे जिनका औसत कितना दे रखा है अपने को, 22 केजी औसत कितना है। एक और विद्यार्थी शामिल कर लिया, अब विद्यार्थी कितने हो गए, 11। जैसे ही एक शामिल किया औसत में कितने की कमी आई है, एक की कमी आई है। औसत किसको बताता है, प्रत्येक को। अब पहली बात तो जैसे शामिल किया औसत में कमी आई है, मतलब जो आने वाला विद्यार्थी है वो 22 केजी से कम का है, 22 केजी से कम है। कितना कम है ये अपने को चेक करना था। अब देखो औसत में एक की कमी आई है, औसत में नहीं कि प्रत्येक, अगर प्रत्येक में एक की कमी आई है, अब विद्यार्थी कितने हैं, 11, तो टोटल कितने केजी की कमी आ गई, 11 केजी की। तो 22 - 11 मतलब आने वाला विद्यार्थी कितने केजी का है, 11 केजी का है। क्लियर है चीज, ये आपका ट्रिकी मेथड था, वो दूसरा आपका बेसिक था। और क्वेश्चन करेंगे अपने आज के इस क्लास के अंदर और नए टाइप्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन करते हैं अपने और इसी से रिलेटेड, जैसे क्वेश्चन दे रखा है भी, एक कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं, एक कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं जिनका जो औसत आयु दे रखी है, औसत आयु दे रखी है 25 वर्ष, औसत आयु दे रखी है 25 वर्ष। एक विद्यार्थी और शामिल कर दिया, एक विद्यार्थी और शामिल कर दिया तो औसत आयु, तो औसत आयु में 2 वर्ष की कमी हो जाती है, 2 वर्ष की कमी हो जाती है। तो बताओ शामिल किए गए विद्यार्थी की आयु क्या थी। ट्रिक से करते हैं भी, 10 विद्यार्थी थे, 10 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी थी, 25। एक विद्यार्थी शामिल कर लिया, विद्यार्थी कितने हो गए, 11। जैसे शामिल किया औसत में कमी होगी, कितने की कमी होगी, 2 की कमी होगी। औसत बताता है प्रत्येक को, प्रत्येक में 2 की कमी होगी, तो 11 विद्यार्थी हैं, तो टोटल कितने वर्ष की कमी होगी, 22 वर्ष की कमी होगी। अब एक बात और है भी, सभी का औसत आयु कितना था, 25 वर्ष था, मतलब प्रत्येक की एवरेज लेके चलेंगे तो 25 था। जैसे ही एक को शामिल किया है औसत में 2 की क्या होगी, कमी होगी, मतलब जो आने वाला विद्यार्थी है वो 25 से कम का है, 25 से कम का है, तभी तो एवरेज में क्या हुई है, कमी हुई है। कितना कम है यही तो चेक करना था, औसत में 2 की कमी है तो 11 के हिसाब से कितने की कमी होगी, 22 की कमी। तो मतलब आने वाला विद्यार्थी कितने साल का है, 3 साल का है। क्लियर है ये चीज, चाहे आप इसको बेसिक से भी कर लो तो भी आपका आंसर कितना आएगा, 3 साल आएगा। क्लियर है। और क्वेश्चन देखते हैं अपने, ऐसे जैसे कि अपने को दे रखा है भी, एक कक्षा में 11 विद्यार्थी हैं, 11 विद्यार्थी हैं इनका औसत है वो दे रखा है अपने को 23 वर्ष। इनकी जो औसत आयु दे रखी है कितनी दे रखी है, 23 वर्ष।
क्या अभी एक विद्यार्थी के चले जाने से, अब एक विद्यार्थी छोड़ के चला गया, एक विद्यार्थी के चले जाने से जो औसत आयु है, जो औसत आयु है वो 1.5 वर्ष कम हो जाती है, मतलब डेढ़ वर्ष कम होगी, डेढ़ वर्ष कम होगी। तो बताओ जानने वाले की, तो बताओ जानने वाले विद्यार्थी की आयु क्या थी, तो बताओ जानने वाले विद्यार्थी की आयु क्या थी। करते हैं क्वेश्चन को, पहले विद्यार्थी थे 11, पहले विद्यार्थी क्या थे 11 थे, और उनकी औसत आयु कितनी दे रखी थी 23 वर्ष दे रखा था। एक विद्यार्थी चला गया, विद्यार्थी कितने रह गए 10, जैसे ही एक विद्यार्थी गया औसत में क्या हुई है कमी हुई है, औसत में क्या हुई है कमी हुई है। अब देखो एक 23 सबकी एवरेज कितनी थी, सबकी एवरेज कितनी थी 23 थी, एक विद्यार्थी था वो छोड़ के चला गया, तो अपनी क्लास का एवरेज क्या हो गया कम हो गया, मतलब अपने 5 जने हैं और पांचों की औसत आयु 25-25 है, और अपना एक जना छोड़ के चला गया, तो एक जना छोड़ के गया तो अपनी एवरेज था वो कम हो गया, मतलब जानने वाला जो व्यक्ति था वो अपने से ज्यादा का होगा, जानने वाला व्यक्ति अपने से क्या होगा ज्यादा का होगा, तभी तो एवरेज में क्या होगी कमी आ गई। तो मतलब जो जानने वाला विद्यार्थी है वो इस 23 साल से क्या था बड़ा था, बड़ा व्यक्ति छोड़ के गया तभी तो एवरेज के अंदर क्या हुई है कमी हुई है। अब कमी कितने की हुई है डेढ़ वर्ष की, तो विद्यार्थी कितने अब क्लास के अंदर 10, तो एक से डेढ़ की कमी है, तो 10 के हिसाब से कितने वर्ष की कमी होगी 15 की, क्योंकि 10 × 1.5 कितना होता है 15 ही होगा, तो 15 वर्ष की कमी होगी। मतलब जानने वाले विद्यार्थी की जो उम्र थी वो कितनी थी 38 वर्ष थी। क्लियर है, इसी वे अगर अपने बेसिक से करें जैसे संख्या इंटू औसत बराबर इन दोनों का मल्टीप्लाई किसके बराबर होता है योग के, पहले विद्यार्थी थे 11, औसत कितना था इनका 23, तो टोटल कितना आ जाएगा 253, टोटल कितना आ जाएगा 253। अब क्या कह रहा है भी? एक छोड़ के चला गया तो संख्या कितनी रहेगी 10, जैसे ही एक छोड़ के गया औसत में कितने की कमी आ गई 1.5 की, मतलब पहले था 23, 1.5 की कमी आ गई तो औसत कितना रह गया 21.5 रह गया, औसत कितना रह जाएगा एक से 21.5, अब 10 × 21.5 कितना हो जाएगा 215, कितना हो जाएगा 200। अब देखो 11 से 10 तो एक विद्यार्थी चला गया, एक विद्यार्थी गया तो देखो आयु योग कितना कम हो गया 253 से 215 रह गया, तो इन दोनों का अंतर कितना है 38, मतलब जानने वाले विद्यार्थी की जो आयु थी वो कितने वर्ष थी 38 वर्ष थी, चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो। बट ये चीज ध्यान रखना है यहाँ पे कब वैल्यू अपने को प्लस करनी है कब अपने को माइनस करनी है, ये चीज कब आएगी जब अपने अपने थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। क्या कह रहा है, एक विद्यार्थी के चले जाने से औसत में कमी आई है, अब औसत में कभी कमी तभी आएगी जब जानने वाला विद्यार्थी पहले वाले औसत से ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा वाले व्यक्ति जाएगा तभी तो कमी आएगी। क्लियर है ये चीज, तो इतना सा कंसेप्ट अपने को ध्यान रखना है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की, इसके अंदर जैसे कि औसत आयु से ही है वो भी रिलेटेड, वो कंसेप्ट भी आपका किससे औसत आयु से रिलेटेड है। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है भी 3 वर्ष पहले एक परिवार के 5 सदस्य हैं, एक परिवार के 5 सदस्य हैं जिनकी औसत आयु, एक परिवार के 5 सदस्य हैं जिनकी औसत आयु 17 वर्ष थी, एक बच्चे का जन्म होता है, परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है तथा वर्तमान में, मतलब प्रेजेंट में, वर्तमान में परिवार की औसत आयु उतनी ही है, मतलब जितनी पहले उतनी ही है, तो बताओ वर्तमान में बच्चे की उम्र क्या है, तो बताओ वर्तमान में बच्चे की उम्र क्या है। अब सारी की सारी जो बात चल रही है वो किसके अंदर चल रही है, अपनी वर्तमान के अंदर चल रही है, बट अपने को जो कंडीशन दे रखी है ये कंडीशन कितने वर्ष पहले की दे रखी है
3 वर्ष पहले की दे रखी है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे ऐसे क्वेश्चन को अपनों ने सॉल्व करना है। अब परिवार के अंदर देखो सदस्य, एक तो अपने को सदस्य दे रखे हैं, दूसरा इनका औसत दे रखा है, और अपने को पता है संख्या इंटू औसत हमेशा किसके बराबर होता है, योग के बराबर होगा। अब परिवार में सदस्य कितने थे, 5, जिनका औसत कितना था 17, तो इनका टोटल कितना आ जाएगा 85 वर्ष आ जाएगा। ये कब की कंडीशन है, ये कंडीशन कब की है, 3 वर्ष पहले की। मतलब 3 वर्ष पहले परिवार के 5 सदस्य है जिनका औसत 17, तो मतलब 3 वर्ष पहले परिवार के 5 सदस्यों की टोटल आयु कितनी थी, 85 वर्ष थी। अपने को तो वर्तमान में आना है, तो इन्हीं को ही वर्तमान में लेके आओ। अगर अपने वर्तमान में आएंगे तो वर्तमान में आने के लिए कितने साल आगे आना पड़ेगा, 3 साल आगे आना पड़ेगा, क्योंकि अपने 3 साल पीछे चल रहे हैं, तो अपने को 3 साल आगे आना पड़ेगा। अब प्रत्येक सदस्य के अंदर कितने साल की आयु बढ़ेगी, 3 साल, क्योंकि परिवार में सदस्य कितने 5 हैं, हर एक सदस्य को कितना साल आगे आना है, 3 साल आना है। अगर प्रत्येक सदस्य को 3 साल आगे आना है तो 5 सदस्यों के हिसाब से कितने वर्ष बढ़ जाएगा, 15, तो मतलब टोटल आयु कितने वर्ष बढ़ जाएगी, 15। तो वर्तमान में इन 5 सदस्यों की जो कुल आयु है वो कितनी है, 100 वर्ष है। वर्तमान में इन 5 सदस्यों की कुल आयु कितनी हो जाएगी, 100 वर्ष हो जाएगी। अब अगली कंडीशन क्या कह रहे हैं, भी परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है, मतलब अब वर्तमान में परिवार में सदस्य कितने हैं, 6 सदस्य हो गए। वर्तमान में कितने सदस्य हो गए, 6। कहता जैसे ही जन्म होता है तो परिवार की औसत आयु आज भी उतनी है, मतलब जितनी पहले थी, पहले 17 थी तो आज भी कितनी है, 17 ही है। तो अगर इन 6 सदस्यों का 17 के हिसाब से टोटल देखें तो कितना आ जाएगा, 102। कितना आ जाएगा, 102। अब देखो सदस्य 5 से 6 हो गए, मतलब एक बच्चा बढ़ गया, तो आयु देखो कितनी बढ़ गई, 100 से 102, मतलब उस बच्चे की जो वर्तमान में उम्र है वो कितने वर्ष है, 2 वर्ष। क्लियर है ये चीज। क्वेश्चन क्या था, भी 3 वर्ष पहले एक परिवार के 5 सदस्य हैं जिनकी औसत आयु कितनी दे रखी है, 17 वर्ष दे रखी है। कह रहे हैं भी परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है और परिवार की औसत आयु आज भी उतनी है, तो बताओ वर्तमान में बच्चे की उम्र क्या है। तो अपने को 3 वर्ष पहले की कंडीशन दे रखी थी, भी परिवार में 5 सदस्य हैं, औसत कितना है उनका, 17, तो टोटल कितना हो जाएगा, 85। ये 85 कब की बात है, 3 वर्ष पहले की बात है। अपने को तो वर्तमान में आना है, मतलब वर्तमान में आने के लिए अपने कितने साल पीछे हैं, 3 साल पीछे, तो मतलब 3 साल आगे आना पड़ेगा। अब प्रत्येक सदस्य का 3-3 साल बढ़ेगा तो टोटल सदस्य कितने, 5, तो 5 सदस्यों के हिसाब से कितने वर्ष बढ़ जाएंगे, 15 वर्ष। तो इन 5 सदस्यों का वर्तमान में टोटल आयु कितनी है, 100 वर्ष। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या थी, भी बच्चे का जन्म हुआ है तो मतलब परिवार में सदस्य कितने हो गए, 6 हो गए, और औसत आयु आज भी उतनी है, मतलब जितनी पहले थी, पहले 17 थी तो आज भी कितनी है, 17, तो 17 के हिसाब से टोटल कितना हो जाएगा, 102। तो उस बच्चे की जो उम्र है 100 से 102, मतलब बच्चे की वर्तमान में उम्र कितने वर्ष है, 2 वर्ष है। क्लियर है ये चीज। तो इस चीज का अपने ध्यान रखना है, ऐसे कंसेप्ट कैसे अपने को सीखने हैं। नेक्स्ट ऐसे ही एक और क्वेश्चन करते हैं, ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं, उससे आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन दे रखा है अपने को, सदस्य उनका औसत भी है और इसका मल्टीप्लाई किसके बराबर आता है, योग के बराबर। जैसे कि मैंने क्वेश्चन लिख लिया, भी 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले परिवार के 2 सदस्य हैं जिनकी औसत आयु 25 वर्ष है। क्वेश्चन दे रखा है भी 7 वर्ष पहले परिवार के 2 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष है, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा, 50 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, ये तो है 7 वर्ष पहले। क्या कह रहे हैं, भी वर्तमान में एक बच्चे का जन्म हुआ है, एक बच्चे का जन्म हुआ है, परिवार की वर्तमान में औसत आयु 22 वर्ष है, तो बताओ वर्तमान में बच्चे की उम्र क्या है, ये बताना है अपने को। क्लियर है। अब देखो ये थी 7 वर्ष पहले, 2 सदस्य हैं, औसत 25, तो टोटल कितना हो जाएगा, 50। अपने को तो वर्तमान में आने, अब वर्तमान में आने हैं तो अपने को कितने साल आगे आने हैं, 7 साल, यानी कि प्रत्येक सदस्य 7 साल आगे आएगा। सदस्य कितने, 2। अब 2 साल है, 2 सदस्य हैं, तो 2 सदस्य के हिसाब से कितने साल आगे आ जाएंगे, 14 साल। तो यानी कि इन 2 सदस्यों की अगर वर्तमान में टोटल चेक करें तो कितना आ जाएगा,
64। अब कह रहे भी एक बच्चे का जन्म हुआ है तो परिवार में सदस्य कितने हो गए? तीन। ये वर्तमान की बात है, वर्तमान में तीन सदस्य हैं और वर्तमान में परिवार की औसत आयु कितने वर्ष है? 22 वर्ष है। और ये कितना हो गया? 22। तो 22 इंटू तीन, अगर इनका टोटल चेक करेंगे तो कितना आ जाएगा? 66 वर्ष। यानी कि 2 से 3, एक परिवार में एक बच्चा बढ़ गया तो आयु देखो कितनी होगी, 64 से 66, मतलब वर्तमान में जो बच्चे की उम्र है वो कितने वर्ष है? 2 वर्ष। क्लियर है चीज? तो अपने को कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले जो पिछले वर्ष की दिया गया उसको अपने को वर्तमान में लाना है, उनका टोटल निकालना है, देन जो सदस्य बड़ा है उसके हिसाब से उसको अपनों ने सॉल्व करना है। क्लियर है चीज? तो ये था आपका औसत आयु से, अगर परिवार की औसत आयु दी जाती है उस कंसेप्ट के ऊपर अपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर है चीज? बात करते हैं अपने इसके अंदर अब नेक्स्ट टाइप की, 6 हो गए 7 जो भी हो गए इसके अंदर। नेक्स्ट है भी जब भी अपने को क्वेश्चन में प्रत्येक संख्या में ऐसा वर्ड दिया जाएगा, क्वेश्चन में प्रत्येक संख्या में जोड़ने पर यानी कि एडिशन पर, घटाने पर, मल्टीप्लाई करने पर या डिवाइड करने पर, ऐसी कोई कंडीशन दी जाती है, यानी कि ईच नंबर, ऐसी को कंडीशन दी जाती है तब अपने क्वेश्चन को सॉल्व आउट कैसे करते हैं। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन लिखा भी 15 संख्याओं का औसत 23 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 अंक जोड़ दिया जाए तो बताओ नया औसत क्या होगा। देखो क्वेश्चन एक ही लाइन का है, एक लाइन भी नहीं है, क्वेश्चन क्या दे रखा है भी 15 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है अपने को? 23 दे रखा है। यदि क्या कह रहा है, यदि प्रत्येक संख्या में, देखो ये वाला वर्ड पकड़ने वाला है यहां पर भी, यदि प्रत्येक संख्या में 3 अंक जोड़ दिए जाए तो बताओ नया औसत क्या होगा। तो क्या कह रहा है भी, नया औसत क्या होगा। अब अपने को पहली बात तो ये 15 संख्याएं कौन कौन सी है, नहीं पता। दूसरा, अब इन सभी संख्याओं में अपने जोड़ते रहे भी, पहली संख्या इसमें भी 3 जोड़ दिया, दूसरी संख्या इसमें भी 3 जोड़ दिया, तीसरी संख्या इसमें भी 3 जोड़ दिया, अब ऐसे जोड़ा सभी संख्या में 3-3 जोड़ दिया, फिर इन सभी संख्याओं का टोटल किया, देन फिर अपनों ने 15 का भाग दिया, तभी तो औसत आएगा, क्योंकि औसत किसके बराबर आता है, योग चाहिए और डिवाइड में संख्या चाहिए। अब सभी संख्याएं चाहिए, इन संख्याओं में सबसे पहले तो अपनों ने 3-3 जोड़ने हैं, 3-3 जोड़ने के बाद इन सबका टोटल करेंगे, देन अपने क्या निकालेंगे, औसत निकालेंगे। ये तो करना नहीं है, तो अपने को सीखना है क्या इसके अंदर, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा भी क्वेश्चन में ये वर्ड दिया जाएगा, प्रत्येक संख्या में चाहे एडिशन करे, चाहे सबट्रैक्ट करे, चाहे मल्टीप्लाई करे, चाहे डिवाइड करे, तो आप डायरेक्ट औसत के अंदर ये ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि 15 संख्याओं का औसत 23 है, अब प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ रहा है तो आप डायरेक्ट औसत में 3 जोड़ दो तो जो आपका नया औसत आएगा वो कितना आएगा, 26 आएगा। अगर बोलता भी प्रत्येक संख्या में 3 घटा दिए तो डायरेक्ट 3 घटा दो, आपका नया औसत कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? अब सर ये कैसे होएगा आप इसको थोड़ा बताओ तभी करेंगे। अब इसको थोड़ा कैलकुलेशन को इजी कर लेते हैं, मैं यहाँ पे क्वेश्चन को हल्का सा चेंज कर रहा हूँ। 15 संख्याएं हैं, इनका औसत मैंने ले लिया 20 है, 15 संख्याएं इनका औसत 20 है, मैंने प्रत्येक संख्या में मान लो 2 जोड़ दिया, प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया, और यहां से पूछ लिया बताओ नया औसत क्या आएगा, अपने प्रूफ कर रहे हैं कि आंसर ये सेम आएगा, आंसर आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो 15 संख्याओं का औसत 20 है तो अपने इसका योग निकाल सकते हैं, योग कितना आ जाएगा, 15 दुने 23, मतलब टोटल कितना आ जाएगा, 300। अब देखो 15 संख्याएं, प्रत्येक संख्या में मैंने कितना जोड़ा है, 2 प्लस किया है, अब प्रत्येक संख्या में 2 प्लस करेंगे तो टोटल है 15 संख्याएं, अब संख्या तो वही रहेगी, 2 जोड़ा है, मैंने 2 कितनी बार जोड़ा है, 15 बार जोड़ा है, तो मतलब सम कितना प्लस होगा, 30 प्लस होगा,
सम कितना प्लस होगा, 30 ही प्लस हो गया। पहले 15 संख्याओं का टोटल कितना है, 300 है, प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा, संख्याएं कितनी है 15, मतलब अपनों ने 2 को कितनी बार जोड़ा है, 15 बार जोड़ा है, तो कितना सम ऐड होएगा 30, तो नया कितना आ जाएगा ये 330। अब नया योग आया 330, अब नया औसत पूछा है, तो नया औसत कैसे निकालते हैं, योग बटे संख्या, अब संख्या से 2, 15 दुने 30, 3 बच गए, फिर 15 दुने 30, तो देखो नया औसत कितना आ गया आपका 22। और यही तो मैंने बताया भी 15 संख्याओं का औसत 20 है, अगर प्रत्येक संख्या में 2 जोड़े हैं तो डायरेक्ट औसत में 2 जोड़ दो, आपका आंसर कितना आ जाएगा 22, यही तो आया आपका 22। क्लियर है चीज, तो अपने ये वाले वर्ड पिक करने हैं, अगर क्वेश्चन में प्रत्येक संख्या की बात करेगा, चाहे जोड़ रहा है, चाहे घटा रहा है, चाहे गुणा कर रहा है, चाहे भाग दे रहा है, अगर प्रत्येक संख्या की बात कर रहा है तो आप डायरेक्ट औसत के अंदर ये ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है ये चीज, तो ये तो आपका इसका प्रूफ था, बट अपने को इसकी जरूरत नहीं है, अपने को सिंपल सा एक ट्रिक सीखनी है जिससे अपने को आंसर निकालना है। अब यह जहां पे अगर दिया जाता 15 संख्याओं का औसत 23 है, अगर प्रत्येक संख्या में, अगर प्रत्येक संख्या में 2 का गुणा कर दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 2 का गुणा कर दिया जाए तो नया औसत, तो कुछ नहीं करना डायरेक्ट औसत में गुणा कर दो, आपका जो नया औसत आएगा वो कितना आएगा 46 आएगा। क्लियर ये चीज, तो ये वाला कंसेप्ट अपने को ध्यान रखना है, प्रत्येक संख्या वाला एग्जाम के अंदर कई बार ये पूछा जाता है। क्लियर ये चीज, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की, इसके अंदर नेक्स्ट टाइप आपका कौन सा है, नेक्स्ट है इसके अंदर मिस्टेक यानी कि गलती वाले क्वेश्चन, नेक्स्ट है इसके अंदर मिस्टेक यानी कि गलती वाले क्वेश्चन, ये वाला टाइप करेंगे, बाकी अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। इस वाले टाइप के अंदर क्या है भी, कुछ ना कुछ एरर दी जाती है, उसको सही करके अपने को नया औसत निकालना है। जैसे कि क्वेश्चन है भी एक कक्षा में, एक कक्षा में मान लो विद्यार्थी दे रखे, मान लो 10 विद्यार्थी दे रखे, इनके औसत अंक दे दिए, इनके औसत अंक दे दिए, मान लो औसत अंक दे दिए इनके 57, इनके औसत अंक कितने दे दिए 57। एक कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं जिनके औसत अंक 57 है, एक विद्यार्थी को 30 अंक के स्थान पर, 30 अंक के स्थान पर 80 अंक प्राप्त हुए, तो बताओ कक्षा के सभी विद्यार्थी के वास्तविक औसत अंक क्या होंगे, वास्तविक औसत अंक क्या होंगे, क्वेश्चन ये पूछा जाता है। ये कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं, इनका जो औसत अंक दे रखा है वो कितना दे रखा है अपने को 57 है, और क्या कह रहे हैं जिसमें एक विद्यार्थी को 30 अंक के स्थान पर कितने अंक प्राप्त हुए, 80 अंक प्राप्त हुए, तो बताओ कक्षा के सभी विद्यार्थियों के वास्तविक औसत अंक क्या होंगे, मतलब ओरिजिनल एवरेज वैल्यू अपने को बतानी है। अभी जो ये 57 दे रखा है ये गलत दे रखा है, क्यों, क्योंकि ये 57 तब है जब एक विद्यार्थी को 30 के बदले कितने नंबर प्राप्त हुए हैं, 80 नंबर प्राप्त हुए। अब अपने को इसको सही करना है, यानी कि गलती सही करके अपने को वास्तविक औसत अंक बताना है। कैसे कर सकते हैं इसको, अब देखो औसत 10 विद्यार्थी, औसत कितना है 57, क्या कह रहा है भी एक विद्यार्थी है जिसको 30 के बदले कितने नंबर मिले, 80 नंबर मिले, मतलब इसको कितने अंक ज्यादा मिले, 50 अंक ज्यादा मिले, 50 अंक ज्यादा मिले। अगर अपने औसत में वृद्धि चेक करें 50 अंक ज्यादा है मतलब वृद्धि हुई है, औसत देखो, अब देखो 50 अंक ज्यादा है, औसत कैसे निकालते हैं, जितने अंक हैं डिवाइड में मतलब कितनी संख्या है, तो कक्षा में विद्यार्थी कितने अपने पास 10 हैं, मतलब इसको 5 औसत अंक ज्यादा मिले। अभी कक्षा के 5 औसत अंक ज्यादा है मतलब ओरिजिनल 57 ना होके ओरिजिनल कितने होने चाहिए
52 होने चाहिए। क्लियर ये चीज, ओरिजिनल 57 ना होके ओरिजिनल कितने होंगे 52, क्योंकि कक्षा के 5 औसत अंक क्या है ज्यादा है, क्योंकि 50 अंक ज्यादा है और 50 अंक की अगर औसत में वृद्धि चेक करेंगे तो कितनी आ जाएगी 5, और 5 आएगी मतलब 57 ना होके कितने औसत होने चाहिए 52 होना चाहिए। ये अगर इसी को अपने बेसिक से करें, अगर इसी क्वेश्चन को बेसिक से करें, देखना यहाँ पे संख्या औसत और इन दोनों का मल्टीप्लाई किसके हो गया योग के, कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं, औसत अंक 57 है, मतलब सभी विद्यार्थियों के टोटल अंक कितने होंगे 57। अब ये 57 कब है, जब एक विद्यार्थी को 30 के बदले कितने मिले 80 मिले, मतलब कितने अंक ज्यादा हैं 80 अंक ज्यादा हैं, मतलब इसमें से 80 अंक क्या हैं, इसमें से 80 अंक क्या है आपके 80 नहीं, इसमें कितने अंक ज्यादा हैं 30 के बदले 80 मिले हैं, कितने अंक ज्यादा हैं 50 अंक ज्यादा हैं, तो 50 अंक अपने क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो अब इन सभी विद्यार्थियों का जो वास्तविक टोटल होगा वो कितना होगा 520। अपने को नया औसत बताना है, तो नया औसत यानी कि योग बटे संख्या 0 से 0, तो जो वास्तविक औसत आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 52 आ जाएगा। क्लियर है, ये अपना बेसिक है जो अपने पढ़ते आ रहे हैं, किसी भी क्वेश्चन में आप इसको अप्लाई कर सकते थे भी, 10 संख्याएं हैं 10 विद्यार्थी हैं, औसत 57 अंक है, तो टोटल कितने हैं 570। अब ये तब है जब एक विद्यार्थी को 30 के बदले कितने मिले हैं 80 अंक मिले हैं, यानी कि कितने अंक ज्यादा मिले हैं 50, मतलब जो इनका टोटल है 570 ना होके 50 माइनस करके वास्तविक टोटल कितना होगा इनका 520, तो एवरेज निकालना है 520 में 10 का भाग दे दो संख्या का, यानी कि नया जो एवरेज वास्तविक एवरेज होगा वो कितना होगा आपका 52 होगा। क्लियर है ये चीज, और देखते हैं ऐसे क्वेश्चन अपने, जैसे कि यहां पे लिखा 10 विद्यार्थियों के मान लो जो एवरेज दे रखा है वो मान लो 63 है, इसमें एक विद्यार्थी को 30 के बदले 50 और दूसरे विद्यार्थी को 50 के बदले 80 अंक मिले, एक विद्यार्थी को 30 के बदले 50 और दूसरे विद्यार्थी को 50 के बदले 80 मिले, तो बताओ पूरी कक्षा का वास्तविक औसत क्या होगा, मतलब ओरिजिनल एवरेज क्या होगा। क्लियर है चीज, अब देखो इन दोनों को मिलाकर मिलने कितने चाहिए थे 80 नंबर मिलने चाहिए थे, तो दोनों को मिला के नंबर कितने मिल रहे हैं 130। अगर इन दोनों को चेक करें, इन दोनों को कितने नंबर मिलने थे 80 नंबर मिलने थे, तो इन दोनों को मिला के मिल कितने रहे हैं 130, तो मतलब कितने नंबर ज्यादा मिल रहे हैं 50 अंक ज्यादा मिल रहे हैं। अब 50 अंक ज्यादा मिल रहे हैं तो औसत में चेक करेंगे कितने विद्यार्थी हैं 10, तो यानी कि 50/10 यानी कि 5 औसत अंक ज्यादा मिल रहे हैं, 5 औसत अंक क्या है क्लास के ज्यादा हैं, यानी कि 5 माइनस कर दो 63 माइनस, यानी कि जो क्लास का वास्तविक औसत होगा वो कितना हो जाएगा 60 58। क्लियर ये चीज, ये तो था आपका गलती से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब एक क्वेश्चन है वो आप सभी के लिए होमवर्क है, जिसका क्वेश्चन आप सभी ने कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर देना है, बाकी के जो इसके कंसेप्ट है वो अपने सीखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। क्वेश्चन है आप सभी के लिए भी, 10 वर्ष पहले एक परिवार के 4 सदस्य हैं, एक परिवार के 4 सदस्य हैं जिनकी औसत आयु 24 वर्ष थी, जिनकी औसत आयु कितनी थी 24 वर्ष थी, परिवार में 2 बच्चों का जन्म होता है, परिवार में 2 बच्चों का जन्म होता है जिनके बीच 2 वर्ष का अंतर है, जिनके बीच 2 वर्ष का अंतर है, वर्तमान में परिवार की औसत आयु 25 वर्ष है, वर्तमान में परिवार की औसत आयु 25 वर्ष है, तो बताओ दोनों बच्चों की वर्तमान में आयु क्या है, वर्तमान में आयु क्या है।
इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स के अंदर देने हैं। बाकी का जो कंसेप्ट है वो अपने सीखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, और जो जिन्होंने पिछली क्लासें नहीं देखी हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें, आपको काफी मदद मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।